मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद अब अखिलेश भी लड़ सकते हैं चुनाव। क्यों ये बोल रहे हैं? क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग है, आजमगढ़ की गोपालपुर सीट से अखिलेश लड़ सकते हैं चुनाव, यह जानकारी है। आजमगढ़ की जनता के अनुमति से ही लड़ूंगा चुनाव, शॉट दिखाएं प्लीज। अखिलेश ने यह कहा, आजमगढ़ की जनता ने ही हमें जिताया था, पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव। बड़ी खबर है, अखिलेश लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। क्या कहा अखिलेश ने, यह हम आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले अभिषेक, अभिषेक ये एक मैसेज देने की कोशिश है ना? बिल्कुल निशांत, ये बिल्कुल मैसेज देने की ही कोशिश है, और मैसेज देने की कोशिश इसलिए भी क्योंकि बीजेपी लगातार ये सवाल उठा रही थी कि प्रियंका गांधी वाड्रा कहां से लड़ेंगी, बताएं मायावती कहाँ से लड़ेंगे, अखिलेश यादव कहाँ से लड़ेंगे। तो अखिलेश यादव ने इसका एक जवाब दिया है और एक चीज़ और मैसेज दिया है कि पूर्वांचल के एक छोर पर गोरखपुर अगर योगी आदित्यनाथ है, पूर्वांचल का जो दूसरा छोर है बनारस के नज़दीक आजमगढ़, वहाँ पर मैं खड़ा हूँ। और दूसरा अहम बात ये भी कि अगर वो इलेक्शन लड़ रहे हैं तो मैं भी इलेक्शन लड़ रहा हूँ। तो मैंने जैसे आपसे पहले कहा था, ये एग्जैक्टली 1-to-1 फाइट हो रही, बड़ी कट टू कट फाइट हो रही है, और ये फाइट जो है ये दो शख्सियतों के इर्द गिर्द सिमटती जा रही है, और दोनों ही मैदान में कोई भी ऐसा दांव है जो छोड़ने को तैयार नहीं, जिससे कि एक मैसेज जाता हो, हर एक कदम पर एक मैसेज देने की कवायद है ये। आप जो बता रहे हैं मैं सीधे दिखाऊंगा अखिलेश यादव ने क्या कहा, ये प्ले ऑन करें। मैं आजमगढ़ की जनता से अनुमति लेकर के ही चुनाव लड़ूंगा, अगर चुनाव लड़ता हूं तो। आजमगढ़ की जनता से अनुमति इसलिए लेनी पड़ेगी, वहां के लोगों ने मुझे जिताया है। सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा और शुभकामनाएं, और साथ ही साथ हमें खुशी इस बात की है कि समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। मेरा सवाल यहां पर कुछ और है, वो मैं अखिलेश के इस मूव को लेकर सवाल करूंगा यहां पर। कुलसुम जी मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन सीधे यहां पर प्ले ऑन करें, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहां पर जानने के लिए आपके। आइए जरा बताएं हमारे दर्शकों को, अखिलेश लड़ेंगे विधानसभा चुनाव यहां पर, नंबर वन, ये जरा ध्यान से देखें इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन है। सीएम योगी के बाद अब अखिलेश भी विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, नंबर वन आजमगढ़ से ऐसी जानकारी है। नेक्स्ट, अखिलेश यादव आजमगढ़ की गोपालपुर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं यहां पर। नेक्स्ट चेंज करें इसको, यहां पर गोपालपुर में वोट समीकरण, यादव 64,000, दलित 51,000, मुस्लिम 41,000, नोट करें यहां पर। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, अखिलेश यादव आजमगढ़ लोकसभा सीट से सांसद हैं, 2000 में पहली बार कन्नौज लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर सांसद बने थे, 2004 और 2009 के आम चुनावों में भी कन्नौज से जीतकर लोकसभा पहुंचे थे, 2012 में यूपी के सीएम बनने के बाद कन्नौज लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया था, मुख्यमंत्री बनने के बाद अखिलेश यादव विधान परिषद के सदस्य बने थे, 18 साल बाद योगी ऐसे सीएम हैं जो विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आखिरी बार मुलायम सिंह गुन्नौर सीट से विधानसभा चुनाव लड़कर सीएम बने थे, बड़ा इंटरेस्टिंग है यहां पर। नेक्स्ट, एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपको बताना चाहूंगा, जरा दिखाएं यहां पर यूपी में, ये देखें जो भी सीएम चुने गए हैं 1989 तक, वो सीएम बने वो चुनकर आते थे, जो 1989 तक जो भी सीएम बने वो चुनकर आते थे। नेक्स्ट चेंज करें, उसके बाद विधान परिषद के रास्ते आकर सीएम बनने लगे। यहां पर मायावती को इस परंपरा को स्थायी करने का श्रेय जाता है, मायावती के बाद मुलायम सिंह भी विधान परिषद के से एमएलसी बनकर आए, मायावती अखिलेश और सीएम योगी तीनों एमएलसी बनकर सीएम बने थे, 2000 में राजनाथ सिंह बाराबंकी से उपचुनाव जीतकर सीएम बने थे। यहां पर मैं अभिषेक से एक चीज जानना चाहूंगा, अभिषेक करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मेरे पास जो यहां पर फैक्ट्स हैं, जो हमारे पास चीजें हैं, अगर अखिलेश ने सवाल किया कि योगी गोरखपुर लौट गए अपने गढ़, मैं अगर गलत नहीं हूं ये वही आजमगढ़ है जहां से मुलायम सिंह यादव की, जिसको कॉन्स्टिट्यूएंसी भी बताया जाता है, वो भी तो अपने गढ़ में वापस चले गए। बिल्कुल, और देखिए एक बात और दीगर है, ध्यान देने वाली बात है निशांत की, चाहे योगी आदित्यनाथ हो चाहे अखिलेश यादव हो,
ये दोनों ही कंफर्टेबल सीटें हैं, ये दोनों ऐसी सीटें हैं जहां पर लड़ते हुए आप बाकी सीटों पर ध्यान दे सकते हैं, ये ऐसी फंसने वाली सीटें नहीं हैं। समाजवादी पार्टी का गढ़ आजमगढ़ है, बीजेपी का गढ़ खासतौर पर योगी आदित्यनाथ का गढ़ गोरखपुर है, तो ये स्ट्रेटजी यही है कि यहाँ से हम लड़ भी लें, एक मैसेज भी चला जाए कि चुनाव के मैदान से हम पीछे नहीं हैं, हम वो विधान परिषद वाला रास्ता नहीं अख्तियार कर रहे हैं और हमको ये सीट बांध के ना रखे, ये भी मैसेज दोनों ओर से देने की कोशिश है। यहाँ पर आप ये बता रहे हैं, मैं सीधे चलूंगा, शीतल सर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सर थैंक यू वेरी मच, बड़े दिनों के बाद आप हमारे शो में आ रहे हैं। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, अखिलेश का ये वाला मूव कि वो आजमगढ़ जा रहे हैं, इसका पॉलिटिकल इंप्लीकेशन, मैं किसी और रीजन से बोल रहा हूं और वो इंप्लीकेशन आप समझ सकते हैं, मैं सीधे हिंदू मुसलमान वोट के लिहाज से भी अगर बात करूं तो इसका पॉलिटिकल मैसेज क्या जा रहा है? नहीं, पॉलिटिकल मैसेज नंबर एक तो ये है कि बीजेपी ने इनको फोर्स किया, बीजेपी ने इस बारे में पहल की और इन्होंने उस ट्रैप को एक्सेप्ट कर लिया, पता नहीं इसकी जरूरत थी कि नहीं। इसके बाद बीजेपी ने गलती की कि जो एक शीतल जी आपका कुछ वीडियो लिंक में इशू आ रहा है, हम आपके पास वापस आ रहे हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।